लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं भाग कर नहीं जाऊंगी। छोड़ दो इसे। कौन है ये और इसे पकड़ कर क्यों रखा है? लंकेश्वर ने इसे अशोक वाटिका में बंदिनी बनाने का आदेश दिया है और ये हमारे पहरे में ही रहेगी। बंदिनी, आपका नाम क्या है? ए बंदिनी, बोलती क्यों नहीं कि तेरा नाम सीता है और लंकेश्वर तुझे अपनी रानी बनाने के लिए यहाँ लाए हैं? चुप रहो, तुम्हारे दुष्ट स्वामी का नाम सुनना भी मेरे लिए पाप है। पाप? हम राक्षसों की नगरी में पाप नहीं होता, और पाप क्या होता है ये भी हम नहीं जानते। लगता है ये बहुत दुखी है। इसे और दुखी करके हमें क्या मिलेगा? लंकेश्वर का आदेश है कि इस बंदिनी पर तीव्र दृष्टि रखी जाए और इसकी किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है ये यहाँ से भागने का प्रयास नहीं करेगी, और इसकी बातों पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। नहीं, इसकी किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए और इसे हमारी बात मानने पर विवश कर दिया जाए। कदापि नहीं। जो दुष्ट पुरुष एक महिला का सम्मान नहीं करता, उसकी बात मानना तो दूर, उसकी बात मैं सुनना भी नहीं चाहती। तेरे इस गर्व को हम एक स्पर्श में नष्ट कर देंगे सुंदरी। वहीं रुक जा दुष्ट। तूने अत्याचारी प्रवंचक बनकर मेरा स्पर्श किया था। उस समय मैं निर्बला हो गई थी, भय ने मेरे मन को विवश कर दिया था, परंतु अब मेरा सत्यत्व तेज जाग उठा है। ये दिन का मेरे सत्यत्व और मर्यादा का रक्षक है। यदि इस दिन के को लांघ कर तूने मेरा स्पर्श करने की कुचेष्टा की तो देखते ही देखते भस्म हो जाएगा। हमने अपने सामने आने वाले बड़े बड़े दिग्गजों और महाकाय पर्वतों की भी परवाह नहीं की। ये तुच्छ दिन का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण जो चाहता है वो पाता है, वो किसी बात से डरने वाला नहीं। यदि साहस है तो इस दिन के की सीमा लांघ कर मुझे छूने की चेष्टा कर दुष्ट। तुझे पता चल जाएगा कि मेरे सत्यत्व में कितना बल है। क्षमा हो लंकेश्वर, हम इस बंदिनी को समझाने की चेष्टा करेंगे। ये अधिक समय तक आपका विरोध नहीं कर पाएगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक है तेरी जटा, तुम इस अशोक वाटिका की मुख्य प्रहरी हो, इसे मनाने का काम हम तुम पर सौंपते हैं। प्रणाम शिवशंकर। हनुमान, आज तुम्हारे मुखमंडल पर यह चिंता की रेखाएं कैसी? कहो क्या बात है? प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरी सबसे बड़ी चिंता श्रीराम के विषय में है? अर्थात ये विचित्र घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? हनुमान, जो कुछ भी हो रहा है वो विधि के विधान के अनुसार ही तो हो रहा है ना? प्रभु, आपके इस विधि के विधान के विषय में ही बात कर रहा हूं। पहले तो श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास दिलाया, फिर उनकी राक्षसों के साथ मुठभेड़ हुई, और फिर देवी सीता का हरण हुआ, और अब श्रीराम की करुण पुकार सुनकर तुम व्यग्र हो रहे हो, यही कहना चाहते हो ना? हाँ प्रभु। हनुमान, हम तुम्हें समझाएंगे, हम तुम्हें शांत करने का प्रयास करेंगे। पहले यह बताओ, नारद मुनि के शपथ देने के बाद इस समय तुम श्रीराम की सहायता कैसे कर सकते थे? यही तो मेरी व्यग्रता का कारण है प्रभु, कि चाहते हुए भी और सारी शक्ति होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे देवर्षि नारद की शपथ से मुक्त कीजिए,
ताकि इस समय मैं प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर उनकी सहायता कर सकूं। हनुमान, तुम्हारी सहायता के बिना श्री राम देवी सीता को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इस समय तुम ऋषिमुख पर्वत जाकर श्री राम के वहां आने की प्रतीक्षा करो। यही विधि का विधान है हनुमान। इतना भली भांति जान लो कि समय से पहले कोई कार्य नहीं होता और समय आने पर कोई कार्य रुकता नहीं। इसीलिए कहता हूं हनुमान, शांत हो जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आयुष्मान भव हनुमान, संकट मोचन के रूप में तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। प्रणाम शिवशंकर। कल्याण हो। भोजन ग्रहण कीजिए देवी। नहीं त्रिजटा, मैं रावण का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्राण देने का विचार है देवी सीता? सुबटा, हमें यह समाचार लंकापति तक पहुंचाना चाहिए कि देवी सीता अन्न जल ग्रहण न करके अपने प्राण त्याग देना चाहती है। चलो। लंका महारानी मंदोदरी, आपका अशोक वाटिका में स्वागत है। त्रिजटा, मैं यहाँ गुप्त रूप से आई हूँ। लंकेश्वर को मेरे यहाँ आने का पता नहीं लगना चाहिए। जो आज्ञा महारानी। सीता बहन मंदोदरी, आप प्रणाम। प्रणाम। सीता, मैं अपने पति के विरुद्ध विशेष तो कुछ नहीं कर सकती, परंतु मैं तुमसे विनती करती हूँ। लंका की महारानी ने मेरे प्रति जो सहानुभूति दिखाई है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सीता, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपने स्वामी के कुशल क्षेम की कामना लेकर आई हो सती मंदोदरी। मैं जानती हूँ हर पतिव्रता नारी का यही कर्तव्य होता है, परंतु मैं भी विवश हूँ बहन। तुम्हारे स्वामी ने श्री राम के विरुद्ध ऐसा अपराध किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। हाँ सीता, हमारा अपराध क्षमा योग्य है या नहीं इसका निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा, जब तुम्हारा वनवासी राम तुम्हारी खोज में भटकते भटकते प्राण दे देगा। मंदोदरी, हमसे छुपकर तुमने यहाँ आने का जो अपराध किया है वो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। हम पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने प्राणों से तलिक भी मोह नहीं है? क्या तुम ये भी नहीं जानती कि रावण से षड्यंत्र करने के अपराध का दंड केवल प्राण दंड ही हो सकता है? लंकेश्वर रावण, देवी मंदोदरी ने यहाँ आकर। चुप रहो। मंदोदरी देवी नहीं, राक्षस महारानी है। यदि ये राक्षस महारानी से देवी बनना चाहती है तो हम इसे इसी समय स्वर्ग लोक पहुंचा देंगे, इसकी गर्दन धड़ से अलग करके। तुम जैसे हृदयहीन राक्षस से और आशा भी क्या की जा सकती है रावण? तुम्हारी ये प्रतिव्रता धर्म पत्नी तुम्हारे लिए कुशल क्षेम की मंगल कामना लेकर आई थी और तुम इसी की गर्दन उड़ा देना चाहते हो? कुशल क्षेम की कामना लेकर आई थी तुम्हारे पास, जो स्वयं हमारे अधीन हो, हमारी कृपा की आकांक्षिणी हो। मंदोदरी,
हमने सोचा था कि सीता को अपनी पटरानी बनाकर अपने राज सिंहासन पर बैठाएंगे, और तुम चुप रहे दुष्ट। ऐसे अपशब्द मुंह से निकालने से पहले तू मेरी ही गर्दन क्यों नहीं उड़ा देता? लंकेश्वर रावण, उड़ा दीजिए मेरी गर्दन, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर। परंतु लंका की पटरानी बनाने की बात कहकर मेरे सतीत्व को अपमानित न करो। मेरा तन मन श्री राम के चरणों में समर्पित है, उनके सिवा कोई अन्य पुरुष मेरा स्वामी बने ये बात मैं 7 जन्मों में भी नहीं सोच सकती। 7 जन्मों में भी नहीं। स्वामी, यदि आप मुझसे रुष्ट हैं, तो मेरे प्राण ले लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी। परंतु सीता को अपमानित न कीजिए, एक सती की हाय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मंदोदरी, तुम हमारे धैर्य की सारी सीमाओं को लांघकर हमें चुनौती दे रही हो कि हम तुम्हें यही समाप्त कर दें। परंतु हमने तुम्हारे पिता मयासुर को वचन दिया है कि हम तुम्हारी रक्षा अंत तक करेंगे। जाओ, चली जाओ इसी समय यहां से, अन्यथा हम अपने आप को वश में नहीं कर पाएंगे। इसी समय हमारी आंखों से दूर हो जाओ। जाओ बहन, चली जाओ, अन्यथा तुम अवश्य रावण के राक्षसी क्रोध की भेंट चढ़ जाओगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी कामना का सम्मान करूंगी। लंकेश्वर की जय हो। कहो, तुम क्या कहने आई हो तेरी जटा? देवी सीता ने यहाँ अन्न जल ना ग्रहण करने का निश्चय किया है, आपको ये बात बताना मेरा कर्तव्य है। तो तुमने अपना नारी हट प्रारंभ कर दिया है सीता, जल अन्न ग्रहण ना करके तुम अपने प्राण दे देना चाहती हो? अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करना हर सती का धर्म होता है रावण। लंकापति के सामने किसी का हट टिक नहीं सकता सीता। हमारे पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिनके द्वारा हम नींद में भी भोजन कराकर तुम्हें जीवित रख सकते हैं। सीता को यह लंका की पटरानी बनाने के लिए लाए थे, उसके प्राण लेने के लिए नहीं। अब भी सोच लो सीता, तुम्हें जीवित रहना ही पड़ेगा और हमारी हर इच्छा का सम्मान करना पड़ेगा। ये लंकापति रावण का प्राण है। ये कैसी परीक्षा है मेरी श्री राम, मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, एक पल भी नहीं। ओम नमः शिवाय। आपने मुझे याद किया परमपिता? हाँ इंद्रदेव, सुना है आप अपने पुत्र बाली के लिए बहुत चिंतित हैं। हाँ ब्रह्मदेव, बाली के मन में भ्राता सुग्रीव के लिए शत्रुता किस सीमा तक पहुंच चुकी है ये देखकर मैं स्वयं चकित हूँ। मैंने उसे समझाने की चेष्टा भी की, परंतु अब बाली के मन से शत्रुता की भावना निकालना असंभव है देवराज। वो लंबे समय से आपकी आराधना कर रहा है, कृपया उसे इच्छित वरदान देकर शांति प्रदान कीजिए ब्रह्मदेव। हमारी आराधना करते हुए तपस्या करने वाले बाली को हम अवश्य वरदान देंगे देवराज, परंतु उसके भाग्य के लेख को तो हम भी नहीं बदल सकते। मैं यही जानने को लालायित हूं ब्रह्मदेव, बाली और सुग्रीव की शत्रुता का अंत कहां होगा? प्रारंभ के साथ ही अंत भी जुड़ा होता है इंद्रदेव। जिस प्रकार जन्म के साथ मरण का संबंध अटूट होता है, उसी प्रकार इस शत्रुता का अंत भी बाली के मरण के साथ ही होगा। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि बाली सुग्रीव के हाथों मारा जाएगा? हमने ये तो नहीं कहा इंद्रदेव। तो फिर बताइए, बाली किसके हाथों मारा जाएगा? बाली की सदगति होगी और उसको अपने मरण का कोई पछतावा नहीं होगा। इस समय हम आपको इतना ही बता सकते हैं देवराज, आप उसकी चिंता से मुक्त हों। परंतु हमने आपका स्मरण एक विशेष कार्य के लिए किया है। विशेष कार्य? आज्ञा दीजिए ब्रह्मदेव। लक्ष्मी का अवतार देवी सीता इस समय रावण की बंदिनी बनकर लंका की अशोक वाटिका में अन्न जल का त्याग कर चुकी हैं। आप उन्हें दिव्य पायस देकर उनकी क्षुधाग्नि एक लंबे समय के लिए शांत कर दीजिए। दिव्य पायस अर्थात दैविक खीर लेकर मैं सीता के पास अवश्य जाऊंगा ब्रह्मदेव।
ये कार्य आपने मुझे सौंपा, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मध्य रात्रि के नीरव प्रहर में जब लंकावासी निद्रा में मग्न हों, आप देवी सीता को दिव्य पायस प्रदान कीजिए और उन्हें आश्वासन दीजिए कि राक्षसों के विरुद्ध दैवी शक्तियां प्रबल होंगी। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। और आपके पुत्र बाली की तपस्या की सफलता का संदेश पहुंचाने, हम शीघ्र ही वहां प्रकट होंगे। आपका कल्याण हो देवराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। 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 ब्रह्मदेव, मेरे अशांति का अंत कीजिए, मेरे धैर्य की और परीक्षा ना लीजिए। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। तुम्हारा कल्याण हो इंद्रपुत्र बाली। आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव प्रणाम। ब्रह्मदेव, आपने मेरे धैर्य की कठिन परीक्षा ली है। ब्रह्मदेव, ये परीक्षा अनिवार्य थी बाली, ताकि तुम्हारा मन शांत हो सके। शांति मेरे भाग्य में कहां है ब्रह्मदेव? मेरी विग्रता तो समय बीतने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अब हम तुम्हारे सामने प्रकट हो चुके हैं, कहो क्या चाहते हो? सुग्रीव कांत और मेरे मन की शांति, इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता ब्रह्मदेव। मन की शांति का वरदान हम तुम्हें प्रदान कर सकते हैं, परंतु सुग्रीव कांत हमारे वश में नहीं है बाली। हनुमान जैसी वरदानी शक्ति उसके साथ है, तथा सूर्य देव के आशीर्वाद से वो लंबी आयु लेकर आया है। यदि आप सुग्रीव कांत नहीं कर सकते, तो मेरे मन के शांति का आपका वरदान मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वरदान मांगते समय क्रोध करना उचित नहीं होता बाली। शांत मन से सोचो और अपने लिए कोई ऐसा वरदान मांग लो जिससे तुम सुखी हो सको। क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे कोई भी शक्तिशाली देव, दानव, वानर या मानव मुझे ना मार सके? अवश्य बाली, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कोई भी शक्तिशाली देव, दानव, वानर या साधारण मानव तुम्हें मार नहीं पाएगा। तुम्हारा कल्याण हो बाली। प्रणाम ब्रह्मदेव।